सत्ता थी, अब याचना नहीं रण होगा। 28 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारी मांग है नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। हमारे परिसंघ की मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, आरक्षण खत्म किया जा रहा है उस पर रोक लगे, निजीकरण बंद किया जाना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, खाली पदों के ऊपर भर्ती होना चाहिए। साथियों बड़ी संख्या में अब 28 नवंबर को रामलीला में याचना नहीं अब रण होगा, ये नारा है 28 नवंबर को होने वाली दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विशाल रैली का। आज इसके ऊपर एक दिल्ली के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसी के तत्वाधान में ये विशाल रैली होने वाली है। रैली का मुख्य जो एजेंडा है वो है नई संसद भवन का नामकरण डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन करने, संविधान बचाओ, ईवीएम निजीकरण व बेरोजगारी के विरोध में, आरक्षण को बचाने व उच्च न्यायपालिका में आरक्षण के लिए विशाल रैली है। ये सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लाने में जितना ज्यादा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है उतना किसी का नहीं है। और सत्ता के गलियारों से हमें सूचना मिली है कि हो सकता है इसका नाम हेडगेवार के नाम पर रख दिया जाए, तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि हेडगेवार साहब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाने में। इसलिए डिमांड है। और आज इस मंच से एक और आपको बात साझा करना चाहता हूं कि तेलंगाना सरकार ने अपने विधानसभा में यह प्रस्ताव, हम लोग का जो प्रस्ताव है, उन्होंने पास कर दिया है। हमारे साथी वहां पर हैं, महेश्वर राज, कल इस मुद्दे को लेकर कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद भवन का नाम हो, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हम लोग मांग भी करते हैं कि उनको अविलंब जो है उनको कोई मुकदमा न हो, उसको उनको वापस किया जाए। और हमारी योजना है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट हैं और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इस समिति की ओर से सबको एक पत्र लिखा जाएगा, भेजा जाएगा। सेशन शुरू होगा तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लिखा जाएगा, उनको बात भी की जाएगी कि इस मुद्दे पे अपना पक्ष रखें कि इस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर क्यों न हो। तो इस बाबत पहले पत्र लिखा जाएगा और 28 तारीख की जो रैली है उसमें इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया जाएगा। उसके पहले देश के कई जगहों पर लोग अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। हमारी अपील है सभी दोस्तों से कि ये मुद्दा जो है ये तो एक टेम्पररी संगठन बनाया गया है, नई संसद भवन नामकरण समिति, ये मुद्दा आप अपने अपने बैनर पे, अपने अपने झंडे तले, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं, किसी संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं, अपने अपने बैनर तले, अपने झंडा तले इस पे कार्यक्रम करें, सेमिनार करें और संविधान दिवस 26 नवंबर को, रिमेंबर 26 नवंबर संविधान दिवस को जो साथी, जो संगठन अपने अपने जिला में, अपने अपने जिला में महत्वपूर्ण किसी जगह से एक रैली निकाले शांतिपूर्ण और एक मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति के नाम हो और मेमोरेंडम कलेक्टर को, वहां पे जो डीएम है जिला अधिकारी को सौंपे। इन सबका जो है सबका ये मूवमेंट है। और मुझे याद है कि जब 5 मार्च 2019 का हम लोगों ने आह्वान किया था रोस्टर के मसले को, तो हम लोगों ने जरूर इसकी शुरुआत की थी, आह्वान किया था, लेकिन इसको ओपन छोड़ दिया गया था कि सब लोग अपने अपने मंच से, अपने अपने पोस्टर बैनर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर इस आंदोलन को हम लोग ले जाना चाहते हैं कि ये जो है बोल रहा हूं, उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि सब अपने अपने मंच पे, बैनर पे सेमिनार करें, प्रदर्शन करें, मार्च निकालें, डीएम को 26 नवंबर को तो जरूर आप दें। और मिला जुलाकर ये 28 नवंबर 2022 को ये पोस्टर रिलीज कर रहा हूं, इन सभी मसलों को लेकर
गांधी रामलीला ग्राउंड में दिल्ली एक बड़ी विशाल रैली होने जा रही है। परिसंघ के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि और संगठन जो आना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपना झंडा अपना बैनर लेकर आइए। ये इनिशिएट जरूर परिसंघ की ओर से हो रहा है, लेकिन यह जन आंदोलन में तब्दील होना चाहिए। इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। जो लोग आना चाहते हैं अपना बैनर और झंडा पोस्टर लेकर शामिल हो, जो कुछ प्रमुख संगठन उसमें आएंगे पहले हमें सूचना दे दें, उनका नाम प्रमुखता से उसमें रखा जाएगा, उनसे बात भी करवाया जाएगा। और नंबर है परिसंघ का 8789325595, इस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं ओम सुधा से कहता हूं कि इस मसले पे क्या क्या होना है बात रखें। ओम सुधा, सबसे पहले ये जो पोस्टर अभी रतनलाल सर ने जारी किया है, इस पोस्टर के ऊपर ही लिखा हुआ है याचना नहीं अब रन होगा। सीधी सी बात है कि इस देश में खास तौर पे पिछले 8 साल से जिस तरह से हम लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से हमारे आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिस तरह से भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग जिस तरह से भारत माता को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है इस देश के बहुजनों के लिए, इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों के लिए अब जो है जीवन या मरण का प्रश्न है। जो अपील अभी हमारे डॉक्टर रतनलाल सर ने की है कि 28 नवंबर को अब दिल्ली का रामलीला मैदान भरना होगा। देश के दलितों ने अब देख लिया है या सरकार उनके साथ क्या करने वाली है, या सरकार सत्ता उनके साथ क्या कर रही है। आप तमाम विश्वविद्यालय उठाकर देख लीजिए कि हमारे समाज के प्रोफेसर के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है असिस्टेंट बने हुए हैं, नई नियुक्ति में भेदभाव हो रहा है। और यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं है, किसी एक कॉलेज विश्वविद्यालय की बात नहीं है, पूरे देश में यह हो रहा है। अपने समाज के प्रोफेसरों की हालत देख लीजिए, अपने समाज के कर्मचारियों की हालत देख लीजिए। जिस तरह आपको क्या लगता है निजीकरण ये लोग विकास के नाम पर ला रहे हैं, लेकिन क्या यह निजीकरण किसी विकास के लिए है? यह निजीकरण विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह निजीकरण इस बात के खिलाफ है। आज हमारे शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, हमारी थाली में अच्छा खाना है, और हम आज 4 पहिए गाड़ी में घूमते हैं, यह निजीकरण उसके खिलाफ है। क्योंकि उनको पता है जो सत्ता में बैठे मनुवादी लोग हैं, यह सब कुछ हमारे हम लोगों को आरक्षण की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है। इसलिए इन मनुवादियों का सीधा हमला इस देश के संविधान पे है, इस देश के लोकतंत्र पे है, बाबा साहब की पूरी वैचारिकी पर है। इनको पता है कि सरकारी संस्थानों में नौकरी करके ये लोग आरक्षण पाते हैं और इनकी जिंदगी में बदलाव हुआ, इसलिए ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे, चाहे ईवीएम का सवाल हो, जैसा कि अभी डॉक्टर रतनलाल साहब ने बताया कि ईवीएम बेईमान मशीन है, हम लोग मानते हैं ईवीएम बेईमान मशीन है, हम लोग मानते हैं कि जाति जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं आप बताना, भेड़ बकरी गाय सुअर इस देश में सब कुछ गिना जाएगा, लेकिन आदमी की गिनती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आखिर जिस जाति में शादी ब्याह से लेकर लोग घर किराया मकान तक लेते हैं जाति के आधार पर, वह जाति जनगणना के प्रकाशन से इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको पता है वो कल 15% थे, अब घटकर 5% पे आ गए हैं, और हमारे तमाम संसाधनों पर उन्होंने हकमारी की है, उनको यह पता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना का भी सवाल उठना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों को एकीकृत करके हम लोग 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सर ने अभी कहा, इनिशिएट भले ही हमारे अखिल भारतीय परिसंघ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदित राज जी ने लिया है, लेकिन यह लड़ाई देश के हर अंबेडकर के मानने वाले, अंबेडकर को मानने वालों की लड़ाई है। इस देश के जितने संविधान को मानने वाले लोग हैं, यह उनकी लड़ाई है, जो लोग चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे। 28 नवंबर 2022 की रामलीला मैदान की रैली उसकी लड़ाई है। 28 नवंबर 2022 इस देश के दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होना चाहिए। जिस तरह की लड़ाई हम लोगों ने अप्रैल 2018 में की थी, उसी तरह की लड़ाई छेड़ने का समय हो गया है। इसलिए एक बार फिर हमारा नारा है, याचना नहीं अब रण होगा।
और 28 नवंबर 2022 को हम इस मनुवादी सरकार को, हम इस देश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के साथ मिलकर रामलीला मैदान घेरेंगे, संसद का घेराव होगा और इस पूरे आंदोलन के माध्यम से हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, अब बहुजनों को आप दबा नहीं सकते।